सो हाय गाइस, दिस इज गोविंदा यादव और आप सभी अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि गाइस लाइफ 11 जो एप्लीकेशन है उनकी क्वेरी नहीं हो पा रही है और उनकी क्वेरी रिजेक्ट हो जा रही है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है गाइस, क्वेरी रिजेक्ट हो जा रही है और किस वजह से हो रही है, सारी की सारी जानकारी आपको स्टेप बाई स्टेप बात करूंगा। तो इस वीडियो को पूरे तक वॉच करो और नए चैनल पर जो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस करो ऐसे ही फैंटेसी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस, मैं आपका टाइम वेस्ट तो नहीं करूंगा, सीधे बात करूंगा उस एप्लीकेशन के बारे में, ठीक ना, कि कैसे आपको अपनी केवाईसी का अपलोड करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स भरना है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे फिलअप करनी है, ठीक। बट उससे पहले यार इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो सबसे पहले तो यार हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ पर लाइफ 11 जो हमारी फैंटेसी एप्लीकेशन है उसको, और जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड ही नहीं किया है उसके लिए यार नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद गाइस सबसे पहले इसको ओपन करना और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आपको मतलब प्लेड करनी है, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके कैसे कंटेस्ट को ज्वाइन करना है, कैसे टीम बनानी है, उसका जो लिंक है गाइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो और यहाँ से टीम बना सकते हो, अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है अकाउंट क्रिएट करने में। तो अब यहाँ पर सिंपली बात यह है गाइस, देखो यहाँ पर तो आपको सबसे पहले तो ऊपर देख ही सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल को लेके। तो यहाँ पे जो भी आप कंटेस्ट को ज्वाइन करोगे, विनिंग करोगे मनी, वो आ जाएगा सीधे आपके वॉलेट में ऊपर में। तो इस वॉलेट से आपको अपने पैसों को विड्रॉ लगाने हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो वो कैसे आपको विड्रॉ लगाने हैं मैं बता देता हूँ। उसके लिए गाइस सिंपली पहले तो आ जाना यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन पर। यहाँ पर जैसे ही आओगे गाइस तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन पे आप क्लिक करना। सबसे पहली बात गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा वेरीफाई नाउ का या फिर टोटल बैलेंस का, वेयर यूनिंग का, और योर यूनिंग में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वेरीफाई नाउ का। आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है, वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पे आपको कहीं नहीं क्लिक करना है, या फिर आपको एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा केवाईसी डिटेल्स पे, इन दोनों में से कहीं भी एक जगह क्लिक करना है, या तो वेरीफाई अकाउंट या फिर केवाईसी डिटेल्स, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों पे क्लिक करते हो तो दोनों एक ही पेज पे अपेयर करेगा। केवाईसी डिटेल्स पे आप क्लिक करते हो गाइस तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। और सेम प्रकार से मैं यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन पर तो सेम पेज यहाँ पर भी ओपन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड है, यहाँ पर जो हमारा ईमेल अकाउंट है वो भी वेरीफाइड है, और मुझे यहाँ पर वेरीफाइड करना है सिर्फ और सिर्फ अपना पैन कार्ड और बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स। तो अब आपको मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर जो पैन कार्ड की डिटेल्स है यहाँ पर वेरीफाई दिखा रहा है और ऊपर वेरीफाइड दिखा रहा है। तो वेरीफाइड मतलब आपका जो भी है डिटेल्स यहाँ पर मांगा गया है वो वेरीफाई हो चुका है, अब उसको यहाँ पर सबमिट करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेरीफाई का मतलब यार यहाँ पर आपको सबमिट करना है और वो रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद से यहाँ पर से आपको वेरीफाई करेगा। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पर कैपिटल लेटर में सबसे पहला जो मांग रहा है आपको पैन कार्ड का डिटेल्स, यहाँ पर कैपिटल लेटर में जो भी आपका पैन कार्ड पर नाम है स्पेलिंग सहित यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर देना है, फिर दोबारा आपको पैन कार्ड का नंबर देना है, और जो आपके पैन कार्ड पे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे सबमिट कर देना है, और यहाँ पर एक आपको फ़ोटो अपलोड करनी है पैन कार्ड की, पैन कार्ड की ऐसी फ़ोटो जहाँ से जिस पे फ्रंट पे आपका साइन हो, आपका फ़ोटो हो, आपकी डिटेल्स हो, वो ऐसी फ़ोटो वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे जैसे ही सबमिट और वेरिफिकेशन करोगे गाइस यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर आपका जो केवाईसी है यहाँ पे पैन कार्ड है वो वेरिफिकेशन हो जाएगी। और सेम प्रोसेस के साथ आपको यहाँ पे क्लिक करना है बैंक अकाउंट पे, इस पर जैसे क्लिक करोगे गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद से पहले यहाँ पे आपको पैन कार्ड वेरिफिकेशन करनी होगी। पैन कार्ड वेरिफिकेशन जैसे कर लोगे उसके बाद से जो आपका है बैंक अकाउंट की डिटेल्स वो ओपन हो जाएगी उस पर क्लिक करने के बाद से। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ बैंक अकाउंट में क्या क्या आपको सबमिट करना है। सबसे पहले तो गाइस आपको बैंक अकाउंट नंबर सबमिट करना है, फिर आपको कंफर्म करना है बैंक अकाउंट का नंबर, फिर आपको यहाँ पर आईएफएससी कोड सबमिट करनी है। आईएफएससी कोड डालने के बाद से गाइस किस बैंक का आपका अकाउंट है, जैसे एसबीआई है, कैनरा है या फिर और कोई बैंक है, वो यहाँ पर सबमिट करना है। फिर एक पासबुक फ़ोटो जो होता है फर्स्ट पेज, जिस पर आपको देखना आपकी फ़ोटो लगी होती है, आपकी अकाउंट नंबर लिखी होती है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, आईएफएससी कोड लिखा होता है पासबुक के फर्स्ट पेज पे, वो आपको एक फ़ोटो लेनी है और यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अगर आपके पास पासबुक नहीं है गाइस तो आपके पास कैंसिल चेक होगा, कैंसिल चेक का भी आप यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। जैसे ही सारी फ़ोटो अपलोड कर दोगे
तो जैसे इस गाइस सारे डिटेल्स को आप लोग अपलोड कर दोगे 24 आवर्स के अंदर जो भी होगा वो वेरिफिकेशन कर देगा, या फिर अगर कोई रिजेक्ट करता है तो आपको रीज़न दे देगा, या तो आपका फिर फ़ोटो क्लियर नहीं है या फिर आपकी डिटेल्स क्लियर नहीं है, वो एक रीज़न दे देगा। तो उस रीज़न पे आप सुधार कर लेना, ऑटोमेटिक ये जो KYC अपडेट है वो अपडेट हो जाएगी, फिर जो भी आपकी विनिंग बैलेंस होगी इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना, फिर मज़े करना गाइस। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।